आज का जो लेक्चर है उसका नाम है एसिड रेन, यानी एसिड रेन से क्या मुराद है? तेजाबी बारिश। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट भी आ जाते हैं। एसिड रेन, तेजाबी बारिश। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंगस स्मिथ इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 17th century। इसको दरियाफ्त किसने किया था? एंगस स्मिथ साइंसदान का नाम है। उसने किधर दरियाफ्त किया था? बर्तानिया के अंदर। कौन से सदी में? 17वीं सदी के दरमियान में। एसिड रेन को हम एसिड का जमा होना भी कहते हैं। डेपोजिशन से मुराद है जमा होना, तो एसिड रेन का दूसरा नाम एसिड डेपोजिशन भी है। दिस फेनोमेना गेंड इम्पोर्टेंस एज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम 1950 में। ये ना बहुत सीरियस माहौल का मसला बन गया था। शुरू में इसको एक ऐसी बारिश कहा गया था जो कि कुदरती बारिश से ज्यादा तेजाबी थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम एसिड रेन है। अब काजिज ऑफ एसिड रेन क्या क्या है, किस वजह से तेजाबी बारिश होती है? ड्यू टू प्रीसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, द नेचुरल रेन इटसेल्फ फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में मौजूद होती है, ये जब रिएक्ट करती है पानी के साथ तो क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। अब जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है ना, यानी जो नेचुरल रेन है, उसकी पीएच होती है 5.6, मगर एसिड रेन वो होती है जिसकी पीएच 5 से कम हो जाए। आपको पता है 7 होता है न्यूट्रल, 7 से जितना ज्यादा हो जाए वो बेसिक हो जाता है और 7 से जितना कम हो जाए वो एसिडिक होता है। तो 5.6 होती है तकरीबन नॉर्मल रेन, ठीक है, मगर जब 5 से कम पीएच हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? एसिडिक रेन। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि नॉर्मल रेन की है 5.6, एसिड रेन की कितनी पीएच होती है? 5 से कम। अब हवा में मौजूद सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ और क्या बना देती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जब बारिश के साथ मिलेंगे बादलों में तो क्या बन जाएगी? एसिड रेन बन जाएगी। एक हो गया कार्बोनिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, इसी वजह से इसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। अब देखो जरा, सल्फर की ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ मिली और पानी के साथ मिली, किसकी मौजूदगी में? हाइड्रोकार्बन, स्मोक और मेटल ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो एसिड रेन है ना, इसके अंदर वेट चीजें भी होती हैं। वेट चीजें कौन सी हैं? रेन है, स्नो है, फोग है, धुंध है, ठीक है, और ड्राई एसिडिक डेपोजिशन भी होती है। कुछ कंट्रीज में जब लावा फटता है तो HCl रिलीज होता है, इस वजह से भी आरजी एसिडिक रेन होती है उन इलाकों में जहां लावा फटता है। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के, ठीक है। अब एसिड रेन जब जमीन पे गिरती है ना, तो वो जमीन में से मेटल्स को निकाल लेती है, हैवी मेटल्स को, अल्यूमिनियम, मरकरी, लेड और कैल्शियम को। जब जमीन में से वो निकल जाएंगे, बारिश के पानी का हिस्सा बन जाएंगे, फिर वो बारिश का पानी किधर जाएगा? दरियाओं वगैरह में चला जाएगा, ठीक है। फिर नुकसान क्या होगा? ये हैवी मेटल मछलियों के गिल्स के अंदर फंस जाएंगे। जब मछलियां सांस लेती है ना, उनके अंदर फंस जाएंगे, तो मछलियां जब हम इंसान या परिंदे खाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, उनकी किडनी वगैरह फेल हो सकती है, उनको कैंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उन मछलियों के अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। अब अल्यूमिनियम की जब कंसेंट्रेशन बड़ी हुई मछलियों के गिल्स में जमा हो जाएगी, क्लॉग से मुराद होता है जमा हो जाना, और मछलियों का क्या होगा? दम घुट जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक हो गया। हमारे लंग्स होते हैं ना, मछलियों के गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद फोर्थ, जब जमीन यानी मट्टी के अंदर एसिडिफिकेशन हो जाएगी तो ये न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेगी, इसकी वजह से पत्तों को, पौधों को और जंगलों की जो ग्रोथ है उसको नुकसान होगा। उसके अलावा एसिड रेन क्या करती है? बिल्डिंग मटेरियल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, स्टील को, पेंट को, प्लास्टिक को, सीमेंट को, मिस्त्रियों के काम को, ठीक है, और पेंटिंग्स को, खास तौर पे मार्बल और लाइमस्टोन को एसिड नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन जब इस पे गिरती है तो उनका कलर खराब हो जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन क्या आते हैं, वो सारा तो लॉन्ग वाइज है, शॉर्ट वाइज इस तरह आता है। हाउ एसिड रेन एंड टेम्पररी रेन आर प्रोड्यूस्ड, ये एसिड रेन की क्वेश्चन हमने पढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी तो कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है, और नॉर्मल रेन की पीएच होती है 5.6, जबकि एसिड रेन की 5 से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड रेन में कार्बोनिक एसिड मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और नाइट्रिक एसिड मौजूद है। ये तो थी एसिड रेन।
अब टेम्पोररी एसिड रेन कौन सी है, ये लास्ट वाली लाइन। कुछ मुल्कों में लावा फटने की वजह से HCR रिलीज होता है, जिसकी वजह से आरजी एसिडिक रेन होती है, यानी जब लावे का असर खत्म होता है तो वो फिर खत्म हो जाता है। दूसरा, हाउ एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर फिशेज एंड ह्यूमंस। इस रेन किस तरह हार्मफुल है, अभी जैसे हमने पढ़ा है मछलियों के जो फेफड़े हैं उनको बंद कर देगी और उनका दम घुट जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल्स को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। उसके अलावा जमीन में जो हैवी मेटल्स हैं उसको पानी का पानी अपना हिस्सा बना लेगा, वो हैवी मेटल्स पानी में जाएंगे, फिर पानी को जब हम पिएंगे या जानदार पिएंगे तो उनको उससे नुकसान होगा। ये एसिड रेन का पाथवे है। देखो, धुआं निकल गाड़ियों या जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उनका जो धुआं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक सल्फर ऑक्साइड, ये बादलों में जाती हैं, बादलों में जाके पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से फिर एसिड रेन नीचे आती है और नुकसान होता है।